हाँ जी जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैजिक रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा और टेस्टी खाने का मन करता है। तो घर पर इस तरीके से आप कस्टर्ड बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों और बड़ों को भी, सभी को पसंद आने वाली ये चीज़ है, बहुत ही टेस्टी। चलिए देख लेते हैं कौन सा कस्टर्ड हम बना रहे हैं। आपके पास जो भी कस्टर्ड हो उससे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पिस्ता कस्टर्ड ले रही हूँ। तो यहाँ पर बॉल के अंदर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध लिया है, उसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और पिस्ता कस्टर्ड हम डाल रहे हैं 3 चम्मच इसके अंदर, और अच्छे से इसको घोल कर तैयार कर लेते हैं। कस्टर्ड को घोलने के लिए ठंडा या गर्म दूध बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, उससे गुठलियाँ पड़ सकती हैं। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध के अंदर हम इसको घोल कर तैयार करेंगे और बिल्कुल स्मूथ सा घोलेंगे और इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो हमारा जो मिक्स है वो तो घुल चुका है। चलिए गैस की ओर चलते हैं। यहाँ पर गैस पर हमने पैन रख दिया है, उसके अंदर हम दूध डालेंगे। लगभग हम 800 ml के करीब इसके अंदर दूध डाल देंगे। अभी मैं इसके अंदर 2 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर के डालूंगी। इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा, बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आएगा। और दूध का पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है मिल्क पाउडर तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्किप कर सकते हैं। तो दूध पाउडर हमने इसके अंदर घोल दिया है। तो अभी इसको दूध को अच्छे से पहले थोड़ी देर पकने देते हैं। देखिए हमारा दूध बहुत ही अच्छे से पक कर तैयार हो चुका है। ज़्यादा देर नहीं हमने इसको पकाया क्योंकि हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर का यूज़ किया था। अगर आप मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करते हैं तो लगभग 5 मिनट के लिए दूध को अच्छे से पका लीजिए। अभी हम अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कस्टर्ड हमने घोल के रखा था वो हम थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर डालते रहेंगे, साथ में मिक्स करेंगे, मिलाते रहेंगे। बिल्कुल भी मिलाना छोड़ना नहीं है, मिक्स करना, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो लम्स पड़ सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे तो साथ साथ में इसको मिक्स करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा कस्टर्ड जो है गाढ़ा हो चुका है। कैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, अच्छे से इसको पका लेना है थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट ही हमें इसको पकाना है। तो कस्टर्ड हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब बारी आती है इसके अंदर डालने की चीनी। लगभग मैंने इसके अंदर 6 चम्मच चीनी डाल दी है, और वो आपकी मर्ज़ी है, आपको मीठा कितना पसंद है आप इस समय चेक कर सकते हैं कैसा मीठा चाहिए आपको। इसको थोड़ा सा ले सकते हैं तो पता चल जाएगा कि मीठा कैसा होना चाहिए। कस्टर्ड जो है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि ये थोड़ा जम जाए। अगर आपको तो ऐसे लिक्विड सा पसंद है तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा थिक रखूँगी। तो आप देख सकते हैं हम स्पैचुला से कैसे चिपक रहा है, इसी तरीके का ही हमें कस्टर्ड चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 कीवी लिए हैं जिसको काट के इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि हम कस्टर्ड के अंदर फ्रूट जो डालेंगे वो कीवी डालेंगे, उसकी लेयर लगाएंगे तो इसको हम कैरमलाइज करेंगे। यहाँ पर चीनी ले ली है, यहाँ पर 5 चम्मच के करीब हमने चीनी ले ली बॉल के अंदर, क्योंकि हमें कैरमलाइज करना है। पैन रख दिया गैस के ऊपर, तो उसके अंदर डाल देंगे हम चीनी। बिल्कुल मीडियम आँच पर चीनी को मेल्ट होने देते हैं पहले, इसको मीडियम आंच पर ही होने देना है। आप देख सकते हैं चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हल्की मेल्ट हो रही है। अभी हम इसको थोड़ा देर चला देते हैं तो इसको मेल्ट होने देते हैं। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कैरमलाइज हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसके अंदर डाल देंगे कीवी जो कटी हुई है। कीवी को हम चीनी की कोटिंग कर देंगे, जो हमने सिरप बनाया था कैरमलाइज किया था उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट 2 मिनट के लिए हम कैरमलाइज के अंदर कीवी को पका लेंगे। तो कीवी हमारी बहुत ही अच्छे से हो चुकी है, तो साथ में इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पर डिश ट्रे ले ली है जिसके अंदर हमें इसको सर्व करना है, जिसके अंदर हमें रखना है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को, हमने कस्टर्ड को भी ठंडा कर लिया था अच्छे से मिक्स करते हुए, इसको ठंडा करना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर परत जम जाती है। तो हमारा ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम डालेंगे इस डिश ट्रे के अंदर कस्टर्ड। 1 लेयर कस्टर्ड की लगा देंगे, तो दूसरी लेयर हमारी जो कीवी है
वो ऊपर लगा देंगे। इससे जो सिरप है इसके अंदर चला गया है, इसका ये कीवी बहुत ही अच्छे से मीठी भी हो चुकी है, तो कैरेमलाइज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक लेयर लगा दी है ऊपर, फिर से हम कस्टर्ड डाल देंगे। अभी हमने बचा हुआ पूरा कस्टर्ड इसके ऊपर अच्छे से डालकर पोर कर दिया है। ऊपर से हम गार्निशिंग कर देंगे। जो कीवी है उसके आधे आधे टुकड़े इसके चारों ओर हम लगा देंगे, देखने में अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कस्टर्ड लग रहा है। अगर पिस्ता कस्टर्ड है तो इसको पिस्ते से भी गार्निशिंग करना पड़ेगा, तो ऊपर से हम पिस्ते थोड़े से डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट जो है पिस्ता, उसको हमने कट करके इसके ऊपर डाल दिया है। इस कस्टर्ड को आप फ्रीज के अंदर 2-3 घंटे के लिए रखने के बाद चील्ड करके अच्छे से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी हमने इसको ठंडा कर लिया है, तो बाहर निकाल कर आपको दिखाते हैं सर्व करने के बाद। तो देखिए, ये सर्व हमने किया है, काट लिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग ही रहा है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। एक बार ज़रूर से इस तरीके का कस्टर्ड बनाकर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।